सो गाइस फाइनली ओप्पो A58 5G स्मार्टफोन की चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च डेट निकलकर सामने आ चुकी है और ये स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट के अंदर 11 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस फोन की इंडिया में लॉन्च होने की अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ओप्पो का ये स्मार्टफोन ए सीरीज के अंदर मिलने वाला एक मिडिल सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा, जिसे चाइना टेलीकॉम प्रोडक्ट डेटाबेस पर देखा गया है। इस फोन के बारे में दोस्तों काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ चुकी है, इसके साथ ही दोस्तों फोन की डिजाइन वगैरह भी रिवील हुई है। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं ओप्पो A58 5G स्मार्टफोन के सभी स्पेक्स के बारे में, इसकी डिजाइन के बारे में। इसके साथ ही गाइस हम बात करेंगे कि ओप्पो A57 स्मार्टफोन से क्या कुछ अपग्रेड्स यहां पर किए गए हैं और प्राइसिंग वगैरह दोस्तों स्मार्टफोन की क्या हो सकती है। तो स्वागत आप सबका टेक रोज पर। जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियोस मिलते रहें। सो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि ओप्पो की ए सीरीज के स्मार्टफोन्स मिडिल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स होते हैं और काफी कमाल के स्पेक्स वगैरह दोस्तों यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसी सीरीज के अंदर दोस्तों एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम रहेगा ओप्पो A58 5G स्मार्टफोन। तो फटाफट से बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के सभी स्पेक्स के बारे में और देखते हैं गाइस की कैसा स्मार्टफोन आप सबके लिए रहेगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन की जो डिजाइन है वो ओप्पो A17 स्मार्टफोन के काफी सिमिलर हमें देखने को मिलेगी। इसके रियर साइड में मैट की फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी, साथ ही ड्यूल कैमरा सेटअप फ्लैश लाइट के सपोर्ट के साथ में आएगा। और अगर फ्रंट साइड के बारे में बात करें तो फ्रंट साइड में आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि वीनस क्रियान के साथ में आएगी। तो डिजाइन वाइज दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी चेंज यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम टाइप का डिजाइन दोस्तों यहां पर भी आपको मिलता है। अगर डिजाइन के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पे गाइस आपको 6.56 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आएगी, साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोस्तों यहां पर आपको दिया जाएगा। तो ब्राइटनेस और कलर्स वगैरह दोस्तों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में काफी बढ़िया रहने वाले हैं और काफी कमाल का व्यू एक्सपीरियंस आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक 5G चिपसेट है और काफी कमाल की गाइस यहां पर आपको स्पीड प्रोवाइड कराएगा, साथ ही काफी बढ़िया गाइस यहां पर आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहां पर आपको 4GB और 6GB के दो रैम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि 64GB और 128GB तक की स्टोरेज के साथ में आएंगे, जिसे आप माइक्रो कार्ड की मदद से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर कैमरा सेटअप के बारे में, तो पहले गाइस ऐसे लीक्स निकल कर सामने आ रहे थे कि यहां पर आपको रियर साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसका मेन सेंसर रहेगा 50 MP का, साथ ही 108 MP का सेकेंडरी सेंसर भी यहां पर आपको मिलेगा। लेकिन लेटेस्ट लीक्स की माने तो यहां पर आपको रियर साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, लेकिन 50 MP का रहेगा मेन सेंसर, साथ ही 2 MP का एक सेकेंडरी सेंसर भी यहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो फ्रंट साइड में गाइस यहां पर आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे काफी कमाल की सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग वगैरह दोस्तों आप कर सकते हैं। तो रियर कैमरा सेटअप दोस्तों काफी डिसेंट दिया गया है, लेकिन फ्रंट साइड में दोस्तों काफी बेसिक सा कैमरा आपको देखने को मिलता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5G कनेक्टिविटी है तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्मार्टफोन आप सबके लिए काफी कमाल का ऑप्शन हो सकता है, जिसमें परफॉर्मेंस तो दोस्तों आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी ही, इसके साथ ही दोस्तों फोटोग्राफी वगैरह भी काफी ठीक ठाक आप यहां पर कर सकते हैं। अगर कैमरा सेटअप के बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर बैटरी के बारे में, तो यहां पे गाइस आपको 4880mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आएगी। तो बैटरी काफी बड़ी है और बैटरी बैकअप भी काफी कमाल का यहां पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों 33W की फास्ट चार्जिंग है तो काफी जल्दी स्मार्टफोन को चार्ज यहां पर आप कर सकेंगे। अगर कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं गाइस, तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट साइड में देखने को मिलेगा, साथ ही 3.5mm का ऑडियो जैक और USB टाइप सी का सपोर्ट भी यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही गाइस ऐसे लीक्स निकलकर सामने आए हैं कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर वर्क करेगा, तो डेफिनेटली काफी कमाल की स्पीड 5G कनेक्टिविटी के साथ में यहां पर आपको मिलेगी। अब अगर बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो फोन की प्राइसिंग हो सकती है अप्रॉक्स 15,000 के आसपास। इसके साथ ही गाइस ये स्मार्टफोन 11 नवंबर को चाइनीज मार्केट के अंदर और नेक्स्ट मंथ आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो गाइस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओप्पो A58 5G स्मार्टफोन के सभी स्पेक्स के बारे में। आप हमें बताइए इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपका कोई और भी कमेंट हो गाइस तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियोस मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।